और इसी बीच एक खबर सामने आते हुए जहां मध्य प्रदेश में जापानी बुखार का कहर देखने को मिला है। निजी अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में जापानी बुखार के 12 मामले अभी हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता अब बढ़ते जा रही है। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ते जा रही है क्योंकि लगातार जापानी बुखार के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जापानी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। निजी अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। प्रदेश में जापानी बुखार के 12 मामले हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की अब चिंता बढ़ते जा रही है। तो लगातार जापानी बुखार के मामले जो है मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। 12 मामले हैं और उसी बीच एक और बच्चे की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है।